और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे, वहीं पार्टी के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले दिन में झारखंड कोर ग्रुप के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। झारखंड में दो चरण में चुनाव होना है। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। आज शाम होने वाली बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष झारखंड अमर कुमार, वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, राज्य के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा सहित कई नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर क्योंकि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही नीतिगत फैसले यहाँ से बड़े नीतिगत फैसले लेते हुए भी नजर आएंगे, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, हम जानते हैं कि आज ही चुनाव आयोग ने दो राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र, जहां पर कहा जा रहा था कि चुनाव के तारीखों का जल्द ऐलान होगा, आज दोपहर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया। और झारखंड में दो चरणों में चुनाव होने, 13 और 20 नवंबर को। बीजेपी की ये बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित थी। आज शाम और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के लिए पहुंचेंगे, ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। लेकिन दिन भर आज हमने देखा कि झारखंड को लेकर मंथन का दौर जारी रहा बीजेपी में, क्योंकि अब बीजेपी को पता है कि दो चरणों में चुनाव होने हैं, 13 और 20 नवंबर को, ऐसे में बहुत समय नहीं है, तो उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। पहले ही जो राज्य चुनाव समिति की बैठक है उसमें नामों पर चर्चा हो चुकी है। नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और आज कोर ग्रुप की बैठक में इस पर काफी मंथन हुआ है कि जो जितायु उम्मीदवार हों या फिर बाकी जो फैक्टर्स हैं, किस तरह से एक संतुलन दिखे, जो उम्मीदवारों की सूची आए, उन सब पर एक विचार विमर्श हुआ है। और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है इसमें मुहर लगा दी जाएगी। देखिए, बीजेपी में एक परंपरा रही है कि किसी राज्य के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की एक ही बैठक होती है, उसके बाद समय समय पर उस राज्य के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता रहता है। तो उम्मीद यही है कि आज एक मोटे तौर पर मुहर लग जाएगी, उसके बाद जल्द ही बीजेपी झारखंड के लिए अपनी पहली सूची जारी कर देगी। और कम से कम जो पहली सूची होगी उसमें हम देखेंगे कि पहले चरण के तहत जो विधानसभा सीटें आती हैं उनमें जरूर उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ कई सीटें ऐसी भी होंगी जो दूसरे चरण में होंगी, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पिछले आप देखें कुछ समय से तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो संगठन के कामों से जुड़े हुए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हो, असम के सीएम जो चुनाव के साथ प्रभारी हैं, साथ ही साथ चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार झारखंड के दौरे करते रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो संगठन के प्रभारी हैं वो लगातार झारखंड के दौरे करते रहे। बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बड़े नेता झारखंड के, वो आप देखें कि लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। तो अब आज मुहर लगनी है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर। ऐसे में शैलेंद्र, सीट शेयरिंग को लेकर क्या आपसी जो रणनीति है वो भी यहाँ से तय होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा है जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके साथ भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा? ये देखिए, हम जानते हैं कि बीजेपी की कोशिश यही है कि मोटे तौर पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोई बड़ा सहयोगी या उस तरह से आप देखें जैसा कि महाराष्ट्र में सीट को लेकर एक बड़ी मंथन का दौर चला था, क्योंकि वहां पर जो महायुति है उसमें बीजेपी है, शरद पवार से अलग होकर जो एनसीपी की अजीत पवार गुट बना है उस वो पार्टी है, साथ ही साथ शिंदे गुट जो शिवसेना है, तो वहां पर एक देखें तो उसमें बहुत विचार मंथन हुआ है। झारखंड में सीट समझौते को लेकर चूंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा दल नहीं है, आजसू से हम जानते हैं कि जरूर चर्चा हुई थी, तो ऐसे में वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज यही है कि उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन है वो उसको पूरा कर दिया जाए और उम्मीदवारों के नाम को तय कर दिया बिल्कुल। शैलेंद्र, कौन से ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो अब की बार यहाँ पर झारखंड के इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आएंगे, और साफ तौर पर भाजपा के लिए किस तरह से अब की बार जो पुरजोर कोशिश है भाजपा की वो तो लगातार देखने को मिली रही है, लेकिन कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर रखी जाएगी? देखिए, बीजेपी झारखंड के चुनाव में जो वहाँ राज्य सरकार का करप्शन है,
तो हेमंत सोरेन सरकार की जो विफलता है उसको बहुत जोर शोर से उठा रही। जब जेल गए थे हेमंत सोरेन, उसके बाद दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, वो हम जानते हैं कि किस तरह से एक पूरा प्रकरण रहा। तो बीजेपी का कहना है कि राज्य में विकास कार्यों की जो गति है वो धीमी पड़ी है, चूंकि हेमंत सोरेन का पूरा ध्यान अपनी पार्टी को बचाने में और तमाम जो आरोप से घिरे हैं उससे बचाव करने में रहा है। तो ऐसे में एक क्लीन सरकार के वादे के साथ बीजेपी झारखंड का चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से लगातार तीसरी बार बीजेपी को सत्ता हासिल हुई है, और हम जानते हैं कि अगर आप इससे पहले जाएं तो बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए थे, जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सफलता हासिल हुई चुनाव में, उसके बाद आप देखें कि झारखंड में भी बीजेपी काफी उत्साहित है कि इस बार वो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेगी और चुनाव बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। तो उस रणनीति के लिहाज से देखें तो पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता को और अधिक सक्रिय किया गया है, राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार जाकर स्थानीय संगठन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गृहमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो ऐसे में जो तमाम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब की बार जो स्ट्रैटेजी है भाजपा की वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में उतरेगी। तो ऐसे में लोगों तक और लोगों के लिए, क्योंकि झारखंड हमने देखा है कि वहाँ पर जनजातियों को लेकर भी तमाम बातें की गई हैं और उसको भी देखा गया है कि तमाम ऐसी योजनाएँ और परियोजनाएँ चलाई गई हैं जिनका सीधा लाभ मिला है, तो अब की बार क्या है ये सब फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं झारखंड के चुनाव में? देखिए, मोदी सरकार की अगुवाई में हम जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए चाहे वो क्लब स्कूल हो या तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और हम देखते हैं कि उसका एक फायदा मिला है इस समाज को। झारखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष तौर पर जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर फोकस किया गया है, तो बीजेपी इन सब बातों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार से राज्य के निवासियों को फायदा हो सकता है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, ये देखना होगा क्योंकि साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है और इससे आने वाली जो रणनीति है और जिन नीतियां हैं वो साफ तौर बनती हुई नजर आएंगी और आने वाले समय में जो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी आने वाले समय में साबित होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए।